और मुझे यहाँ तक के धक्का दिए तब मेरे आवाम जो थे आवाम इससे बिगड़ी जो आप हाफिज जी को धक्का क्यों दिए। उसी बहस में थोड़ा थोड़ा बात होने लगा तो वो चार्ज किए, थोड़ा मैं क्लास कर रहा था, वो आए तो चार लड़की 10 लड़की लेके मुझे बोले आप क्लास उठाइए मुझे ब्यूटीशन है क्लास करना है। मैंने फौरन गार्जियन लोगों को कॉल किया भाई अपने अपने बच्चे को आप ले जाइए मैं मदरसा बंद कर रहा हूँ ऐसी ऐसी बात है नहीं मुझे उसी टाइम में करना है आप अपने क्लास बंद कर दो ऐसा मुझे बोले। तब फिर मैं आवाम के सामने बात रखा जो मेरे बड़े हैं मान लिया उनके सामने ये बात रखा, बात रखने के बाद उनका भी ये मेरा जो मदरसा का जो मामला था मदरसा का बैनर वगैरह सब फाड़ के हटा दिए। कल रात में 12:30 बजे तक हम हड्डी बगान में खुद मौजूद थे ये स्कूल में दावत चल। लेकिन दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है, आज मुसलमान जो परेशान है आज मुसलमान इतने परेशान है तालीम ज़रूरी है और ये एजुकेशन के लिए है। ये हमीद हकीम जूनियर स्कूल, स्कूल में भी ट्यूशन की तो बात नहीं होना चाहिए। मदरसा का प्रिंसिपल हूँ, ये हमारे अकबर हाफिज साहब है, ये नायब प्रिंसिपल है। ये हम लोग का ये हमीद हकीम स्कूल है, इसमें मैं पहले रूम पे पढ़ाता था। मदरसा स्टार्ट किए थे उस वक्त में बच्चे लोग का तादाद थोड़ा कम था, जब बच्चों की तादाद बढ़ी तो ये जगह देखे हम खाली है तो बड़े लोग से बात किए मशवरा किए, मशवरा करके यहाँ पे क्लास चालू किए। जब स्टार्ट किए थे क्लास उस वक्त में 2 क्लास चल रहा था हम लोग का, सुबह 8 से 10 फिर 4 बजे से 6 बजे तक। जब बच्चों की तादाद दिन पे दिन बढ़ती गई, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2 साल 2.5 साल हम लोग का यहाँ पे हो गया है तो बच्चों की तादाद बढ़ा तो 1 क्लास हम और बढ़ा दिए तो वो क्लास फिर 2 से 4 हुआ, फिर 1 4 से 6 चल रहा था, 1 सुबह का क्लास चलता है तो ये 3 क्लास चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अभी हम लोग के पास बच्चों की तादाद आप देख सकते हैं वहाँ पे बच्चों की तादाद लगभग 150 बच्चे हैं, उससे ज़्यादा बच्चे होंगे कमोबेश 150 बच्चे आपको मैं बता रहा हूँ। तो अभी 150 बच्चे हमारे पास है जिसमें से सब बच्चे स्कूल में तालीम हासिल करने वाले हैं और अभी 14 से 15 बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज जो हाफिज़ जो होते हैं वो हाफिज़ बनना शुरू किए हैं, जिसमें से वो बच्ची है उसका 5 पारा हिफ्ज़ हुआ है और बच्चे हैं जिनका 19 पारा हिफ्ज़ हो चुका है, कुछ बच्चे हैं जिनका 2 पारा हुआ है, कुछ बच्चे अभी स्टार्ट हैं। और ये बच्चे लोग स्कूल के तालिबे इल्म हैं, स्कूल के साथ मदरसा के साथ इतना इंटरेस्ट और हिफ्ज़ में इतना इंटरेस्ट कर रहे हैं ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और हमारे मोहल्ले वालों के लिए समझिए बहुत फ़ख्र वाली बात है कि हमारे मोहल्ले में बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं, इनके वजह से मोहल्ले में अल्लाह की तरफ से मदद होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रहे। पहले से मोहल्ले का माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है, ये मोहल्ले वाले अच्छे से जान रहे हैं। तो मेरे पास लगभग 2-3 हफ्ते पहले फराह कमाल जो मैम है यहाँ के वो मुझे बोले कि हाफिज़ जी मुझे ब्यूटीशन का क्लास शुरू करना है। मैंने उससे पूछा जो बाजी आप किस वक्त में क्लास शुरू करेंगे, उसने मुझे बोला कि मैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक करूँगा। तो मैं उनको बोला बाजी ऐसी ऐसी बात है मेरा तो 2 से 4 और 4 से 6 शिफ्ट चलता है, इसमें लगभग मेरा 2 शिफ्ट में 100 बच्चे पढ़ते हैं, इस 100 बच्चे को लेके हम कहाँ जाएंगे। तो बगली में एक साहब जा रहे थे उनका नाम तैयब भाई है मोहल्ले के जब सब जानते होंगे, तो उनका बहुत सारा हड्डी बगान में फ्लैट वगैरह, तो उनको वो बाज़ाब्ता कह रहे हैं तैयब भाई आप का अगर कोई फ्लैट खाली होगा तो हाफिज़ जी को थोड़ा कम सम करके दे दीजिएगा, हाफिज़ जी वहाँ मदरसा चलाएंगे हम यहाँ भी ट्यूशन में क्लास करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसा समझिए 3-4 साल हो गया है। जी उनका कहने का मतलब ये है आप 2 टर्म का शिफ्ट कहीं और कर लीजिए हम मदरसा क्लास करेंगे। हम बोले भाजी ये तो दीनी तालीम का मसला है और आपका दुनियावी तालीम है, अगर आप करना चाहते तो किसी और वक्त में करिए, हम अपना उनको मशवरा दिए आप खाली वक्त है 6 बजे के बाद आप रात तक करिए, लेकिन नहीं हम मुझे उसी टाइम में करना आप अपना क्लास बंद कर दो ऐसा मुझे बोले। तब फिर मैं आवाम के सामने बात रखा जो मेरे बड़े हैं मान लिया उनके सामने ये बात रखा, बात रखने के बाद उनका भी ये ड्राइंग कंपटीशन क्लास हुआ, बाहर में मेरा बैनर लगा हुआ था उस बैनर के ऊपर वो अपना बैनर चढ़ा दी, फिर भी हम एतराज़ नहीं किए, मोहल्ले वाले को भी हम कॉपरेट किया, हम बोले नहीं छोड़ दीजिए उनका क्लास है उनका ड्राइंग कॉम्पिटिशन है करने दीजिए। तो वो क्या किए तो उनका जब काम ख़त्म हो गया तो उनको क्या करना चाहिए था चलिए मेरा इतवार के दिन काम ख़त्म हो गया हम बैनर हटा दें, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। ऊपर में मेरा 2 बैनर लगा हुआ था, ये खिड़की में वो खिड़की में, क्योंकि सामने घर रहता है तो पर्दा के वजह से हम ये साइज का बैनर बनाए थे। तो वो क्या किए जब वो ड्राइंग कॉम्पिटिशन क्लास करने आए तो यहाँ का बैनर को फाड़ के वो हटा दिए। उनका दबदबा इसलिए कि वो चाह रहे हम मोहल्ले के हैं और सोशल मीडिया में हैं, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा वो अपना दबाव दिखाना चाहते हैं। एनजीओ वो जो इनका जो क्लास होता है ब्यूटीशन क्लास वो एनजीओ की तरफ से होता है,
और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का जो मदरसा है क्लास है, हम लोग का मदरसे में कोई चंदा वगैरह कोई मसला नहीं है। जो बच्चे जी फंड कुछ नहीं आता हम लोग के पास, बच्चे का जो फीस आते हैं कोई बच्चे 100 रुपये देते हैं, कोई बच्चे 150 रुपये देते हैं, कोई बच्चे 200 रुपये देते हैं, ये हाईएस्ट 200 रुपये, और कोई बच्चे ऐसा है जो नहीं देते हैं। मेरे पास मौजूद है, हम बच्चे आपको दिखा सकते हैं, मेरे पास मौजूद है और गार्जियन भी अल्हम्दुलिल्लाह सबको मालूम है। हम बाज़ाब्ता गार्जियन से पूछते हैं कि आप कितने हैसियत है, अगर आपके हैसियत है 100 रुपये देने का दीजिए, नहीं देने का तो कोई बात नहीं, लेकिन दीनी तालीम बहुत ज़रूरी है। आज मुसलमान जो परेशान है, आज मुसलमान इतने परेशान हैं, तालीम ज़रूरी है। और ये एजुकेशन के लिए है, ये हमीद हकीम जूनियर स्कूल, स्कूल में भी ट्यूशन के तो बात नहीं होना चाहिए। अभी मैं क्लास कर रहा था, वो आए दो चार लड़की, 10 लड़की लेके, मुझे बोले आप क्लास उठाइए, मुझे भी ट्यूशन है क्लास करना है। मैंने फ़ौरन गार्जियन लोगों को कॉल किया, भाई अपने अपने बच्चे को आप ले जाइए, मैं मदरसा बंद कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद फिर वहाँ पर गार्जियन लोग जमा हुए, गार्जियन लोग थोड़ा सा आवाम लोग इकट्ठा हुए, थोड़ा चिल्ला चिल्ली किए, तो उतना ही में हमारे तैयब भाई आए बाइक लेके, वो अंदर मोहल्ले में रहते हैं, जाहिर साहब के बेटे तैयब भाई, ताहिर भाई, लोग भाई हैं सब, अच्छे थे मोहल्ले वाले, वाकिफ हैं उनसे। तो वो आए मुझसे बोले, अजहर तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो अच्छे नहीं कर रहे। मेरे ऊपर वो मेरे ऊपर चढ़ रहे थे और मुझे यहाँ तक के धक्का दिए, मुझे धक्का दिए, तब मेरे आवाम जो थे, आवाम इससे बिगड़ी, जो आप हाफिज़ जी को धक्का क्यों दिए। उसी बहस में थोड़ा थोड़ा बात होने लगा, तो वो चार्ज किए, थोड़ा सा हाथापाई हुआ, फिर उसके बाद मामला ठीक कर दिए। और मेरा जो मदरसा का जो मामला था, मदरसा का बैनर वगैरह सब फाड़ के हटा दिए। कल रात में 12:30 बजे तक हम अड्डी बगान में खुद मौजूद थे, ये स्कूल में दावत चल रहा था, तो उसमें मेरा खुद दावत था, हम यहाँ दावत करके गए, उस वक्त तक बैनर ठीक था। रात में 1:30-2 बजे का मामला हुआ है ये, तो नीचे से बैनर खोल दिए, एक बैनर वहाँ लगा हुआ था, सुबह आए तो वो बैनर भी वहाँ फाड़ के गिरा दिए, वो खिड़की में मेरा बैनर लगा हुआ था।